बेटे सॉल्ट समझो, सॉल्ट क्या होता है? ठीक, सॉल्ट जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन करते हो तो यू गॉट गेट सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड बेस रिएक्ट होके सॉल्ट एंड वाटर देता है। ठीक, अब इन सॉल्ट को हम थ्री में डिवाइड करते हैं बेटे, वन इज एसिडिक सॉल्ट, वन इज बेसिक सॉल्ट एंड अदर वन इज न्यूट्रल। ठीक, द सॉल्ट इज डिवाइडेड इनटू एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड द न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा बेटे? हम देख रहे हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से बना होगा उसे हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है दैट इज अ बेसिक सॉल्ट। जो चीज स्ट्रॉन्ग है वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कौन सा हो गया? बेसिक। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल। तब भी न्यूट्रल। ठीक है, अब इफ आई एम रिएक्टिंग बेटे, अगर मैंने एसिडिक बनाना है फॉर एग्जांपल, अच्छा अब इसको करने से पहले अब आपको मैं थोड़ा पीएच बताऊं। हमने स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको ये बताया जाता है कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है, फिनोफ्थलीन में बेस पिंक कलर दिखाता है, फिनोफ्थलीन में एसिड कोई कलर नहीं दिखाता है, एंड सो ऑन। कलर से हमें ये नहीं पता चलता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अगर आप लिटमस पेपर एसिडिक एसिड में लेके जाओगे तब भी वो कलर शो करेगा, चाहे वो आप एक्सीएल में लेके जाओगे तब भी कलर शो करेगा। ठीक, मगर जो पीएच पेपर जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं वो हमें ये बताता है बेटे कोई एसिड कितना को स्ट्रांग है या बेस कितना को स्ट्रांग है। हमें वीक बेस और स्ट्रांग बेस भी पता चल जाते हैं क्योंकि वो उसी हिसाब से अपना कलर शो करते हैं। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बहुत ज्यादा रेड कलर शो करेगा, अगर थोड़ा सा वीक एसिड होगा तो आपको ऑरेंज कलर शो होगा। ठीक है, तो मींस कलर की वेरिएशन से हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में पता चलता है पीएच से, लिटमस से नहीं, बाकी इंडिकेटर से नहीं। बाकी इंडिकेटर से हमें यही पता चलता है ये एसिड है और ये बेस है। That's it. ठीक, अब ये पीएच पेपर बनाया गया, दैट इज अदर थिंग। पीएच का मतलब क्या होता है? दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की कितनी स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन कौन सी एच प्लस की फॉर्म है। ठीक है, अब जब वाटर न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल क्यों है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है?
कि जितना एक एच प्लस देता है उतना ओ एच नेगेटिव देता है और दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वाटर न्यूट्रल क्यों है बेटे, क्योंकि वाटर में जो एच प्लस और ओ एच की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, दैट इज वाई वाटर इज अ न्यूट्रल। जहां पे एच प्लस और ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, दैट थिंग इज नोन एज न्यूट्रल। जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी दैट इज एसिडिक, जब OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी हम कहते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन। ठीक, अब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज 10^-7 दोनों की ही। अगर हम अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखें एक मोल में, तो दैट इज H प्लस की भी 10^-7 है और OH नेगेटिव की भी 10^-7। इतनी बात समझ आई? ठीक, मींस H प्लस की कितनी है न्यूट्रल सॉल्यूशन में 10^-7। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10^-14। अगर दोनों इक्वल है, यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, 10^-7 मल्टीप्लाई बाय 10^-7 इट विल बी 10^-14। अब पीएच हमें बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन देखते हैं, नेगेटिव लॉग रेस टू द पावर 10। अब ये कैसे, अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग निकालू, जब मैंने सिर्फ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखनी, पीएच मुझे सिर्फ हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, पावर ऑफ हाइड्रोजन OH नहीं बता रहा। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन 10^-7 होती है जब वो न्यूट्रल होता है। अब इसका जब लॉग लोगे तो लॉग कैसे लोगे, अगर हमने पीएच निकालनी है तो इट विल बी -log 10^-7, दैट इज अ पीएच। दिस इज नॉट फॉर द एग्जाम, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको ये समझ आएगी पीएच स्केल कैसे बने, क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन अभी इस बड़ी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, रिवाइज जो सिलेबस आया है आपका, ओनली आपका थ्रेटिकल है पीएच, मगर आपको ये समझ आएगी तो आप पीएच को आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो पीएच इज -log ऑफ जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है बेटे। लॉग 10 जो होता है वो होता है 1, लॉग 10 क्या होता है 1। जब लॉग 10 1 होता है, ये जो पावर है रेस टू द पावर वो आगे आ जाती है, इट विल बी -7। लॉग 10 क्या हो गया 1, पीएच क्या आ गई 7। तभी हम कहते हैं ना जब कोई न्यूट्रल होता है तो पीएच 7 होती है, पीएच आ रही है ना 7, क्योंकि अब हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10^-7, तो पीएच क्या आई 7। ठीक, अब मैंने इस वाटर में डाल दिया एसिड, वाटर में क्या डाल दिया एसिड। ठीक है, अब ये आपकी इंटीजर लाइन है बेटे, दिस वाज 10^-7, मतलब ये -7 है, ये -6 है, ये -5 है, ये -4 एंड सो ऑन। ठीक, अगर मैं बोलूं कि मैंने वाटर में आई हैव पोर्ड एसिड, इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, हम यही बोलेंगे बेटे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि एसिड क्या है H प्लस देगा। जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अगर ये -7 है तो ये किस तरफ जाएगी, -6 -5, पॉजिटिव की तरफ जाएगी ना, आगे तो नहीं निकालोगे आप, क्योंकि ये नेगेटिव लाइन है। अब बढ़ने की तो चीज हम इस तरफ ही लेके जाएंगे, गेटिंग माई पॉइंट। तो -7 से अगर आप इसकी वैल्यू कम करते हो तो -6 की तरफ जाएगी, फिर -5 की तरफ जाएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा है,
आगे लेके जाओगे तो कम हो जाएगी। ठीक, अब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, मान लो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, जिसकी पीएच 1 के आस, जिसकी पीएच यहाँ पे है। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी डिक्रीज हुई कि ये 10^-1 बन गया। माइनस वन बनेगा ना, इधर आएगी लाइन, समझ रहे हो? ये 1/10 है, 10 की वैल्यू कम करते जाओगे तभी हम कहेंगे ना कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। अब जो कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस की है तो ये हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन 10^-1 बढ़ गई। तो जब आपने इसका लॉग निकाला तो आपको पीएच क्या आएगी, 1, क्योंकि लॉग 10 तो 1 हो जाएगा और 1 आगे आ जाएगा तो पीएच क्या आ गई, 1 आ गई। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर पीएच पीएच अगर 1 आ गई तो ये कहां पहुंच गई, यहां पे। ठीक है, ये तो हमने बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया ना। लेट अस टेक पीएच -6, यहाँ पे अगर 6 आई तो ये कहां पहुंच गई, यहाँ पे। अब मैंने 1 ले लिया, 1 क्यों नहीं लेना चाहिए भी मैं आपको बताऊंगी अभी, क्योंकि बेटे जो कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की है और H पॉजिटिव की है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 10^-14 ही आता है। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमेशा 10^-14 आना चाहिए। मतलब जो पीएच स्केल है उसका अगर माइनस लॉग 14 निकालोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14। गेटिंग माई पॉइंट? हमने ये जो पीएच प्लस एंड ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन किया वो 10^-14 तक लेके गए, तभी आपका जो, अगर इसका माइनस लॉग 10^14 निकालते हो तो आंसर क्या आता है आपका, 14। तो कभी भी ये 14 की वैल्यू से एक्सीड नहीं करता। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 10^-6 है तो क्या वैल्यू आएगी, 10^6। अगर 10^-1 है तो क्या वैल्यू आएगी, 1। Getting my point? अब आप मुझे ये बताओ 6 कब आएगी और 1 कब आएगी। अब मैं पीएच स्केल बना रही हूँ बेटे, जस्ट सी। हाँ, तो लेट मी ड्रॉ पीएच स्केल। देयर इज अ 7 विच इज अ न्यूट्रल। तब आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 10^-7। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब ये क्या बन गई, 10^6 -5 -4 -3 -2 -1। गॉट द पॉइंट? तो जैसे जैसे इस तरफ, अब और क्या याद रखोगे, 7 न्यूट्रल, ए बी, 7 किधर, एसिडिक, 7 के बी यहां पे क्या आ जाएगा, बेसिक। ठीक, अब बेसिक क्यों होता है, मैंने वाटर में बेस डाल दिया बेटे, वाटर में क्या डाल दिया, बेस, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, OH की। अब अगेन अगर OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, पीएच तो है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच क्या है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि इज इक्वल टू 10^-14। ये इतना ही रहता है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, मीन्स अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10^-9 हो रही है तो उसकी उतनी ही बढ़ जाएगी, दैट इज 10^-5 बन जाएगी।
समझ आई बेटे, तो इसकी कम होगी। मैं इसमें बेस डाला, बेस डाला, ध्यान से समझो इसको। अब OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है तो ये भी इंटीजर लाइन की इस तरफ आएगी, ये -7 से -5 की तरफ आई, जितनी ये बढ़ी उतनी वो कम हुई, वो कितनी बन गई 10^-9, ये बनी कि नहीं बनी। अब इसका अगर मैं लॉग निकालूं तो क्या आएगा 9, तो ये क्या हो जाएगी बेसिक। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं, तो क्या हो जाएगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाएगी। कम होने का मतलब है ये 10^-14 होगी, कम हो रही है बेटे, उस तरफ जाएगी इंटीजर लाइन पे, माइनस की तरफ जाएगी, तो ये और कम हो रही है, कम हो रही है। तो अगर इसका पीएच निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 14। तो मींस अगर हम इस तरफ जाते हैं दैट इज एसिडिक, इधर जाएंगे आप क्या बोलोगे दिस बेसिक। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, पीएच हमें एच प्लस की पावर बताता है, नॉट OH। हमारी नो डाउट इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है, इसकी बड़ी है, तो कितनी कम हुई है हम इसकी पावर देखेंगे, इसकी कितनी कम हुई है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पीएच। ऑलरेडी ले रही हूं, ठीक। तो मींस बिलो 7, इस तरह 7 की इधर ए है, 7 की इधर आगे बी है, और 7 के जितना इधर आते जाओगे उतना ज्यादा वो बेसिक बनता जाएगा, ठीक है। अब पीएच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी जो बॉडी है उसका जो पीएच है स्लाइटली एल्केलाइन है, तो जब भी डॉक्टर हमें इंजेक्शन देते हैं हमें पता है अगर हमारे अंदर मान लो न्यूट्रल न्यूट्रल इंजेक्शन लगा दें, तो अगर पानी गया तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हो जाएगी, पीएच हिल जाएगा। अगर एसिडिक लगा दे तो एसिड बेस के साथ एक्ट करके न्यूट्रल कर देगा, तो जो हमें इंजेक्शन लगते हैं वो स्लाइटली एल्केलाइन लगते हैं कि हमारी बॉडी की जो पीएच है वो चेंज ना हो, समझ आई। इन द सेम वे हम एसिड रेन की बात करते हैं, हम कहते हैं जी एसिड रेन तब होती है जब पीएच 5.5 हो जाए, देखो बिलो 7 चलेगी तो एसिडिक होगी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस, क्योंकि कार्बन ये सारे नॉन मेटल्स हैं बेटे, जो आगे हम मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे चैप्टर, आप देखोगे कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो पानी में जाके एसिड बनाएंगी। आपने कभी सोडियम का एसिड सुना? सोडियम का क्या सुना? बेस। सोडियम क्या है? मेटल, मेटल है ना। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। कार्बन का कभी भी आप बेस नहीं सुनते, आप एसिड सुनते हो। इन द सेम वे क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन का एसिड है HCl, कभी बेस सुने? नो, ठीक है। तो ये जो जितनी भी ऑक्साइड्स है वाटर के साथ कंबाइन होके ये एसिड बना लेते हैं, तो हम कहते हैं एसिड रेन होगी। तो आप एग्जाम्पल पढ़ते थे कि ताजमहल का जो मार्बल है वो येलो हो रहा है, क्योंकि मार्बल है क्या बेटे? कैल्शियम कार्बोनेट, और कोई भी एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, अब तो आपको पता चलना चाहिए। इन द सेम वे पीएच की जो इम्पोर्टेंस है हमारे माउथ में भी है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। अब हमें पता है कि स्टमक जो है हमारा उसमें एसिड रिलीज होते हैं, स्टमक की लाइनिंग ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि हमें लाइनिंग तो इतनी इफेक्ट नहीं होती, मगर वही एसिड जब हमारी फूड पाइप में आता है
तो हमें वो कहते हैं ना हार्ट बर्न हो रहा है, जलन हो रही है, हार्ट नहीं बर्न हो रहा होता, वो फूड पाइप में एसिड आ चुका है। जब आप कुछ ऑयली खा देते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो आप हमेशा माइल्ड बेसिस लेते हो इन द फॉर्म ऑफ इनो, इन द फॉर्म ऑफ डाइजीन, इन द फॉर्म ऑफ गैसोफास्ट। हैव यू एवर टेकन स्ट्रॉन्ग बेस फॉर इट? आपकी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं लिया आपने? HCL है ना हमारी बॉडी में, तो हम NaOH खा ले हमें क्या है? हम सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा डाइजीन होता है बेटे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये? दिस वी हैव डन अगेन। ठीक है, तो हम क्यों नहीं लेते? यस, तो वो तो हमने न्यूट्रल करना ही है। इतना हम हमारे बॉडी में तो एसिड हमेशा रिलीज हो ही रहा है, हमारी रुक तो नहीं रहा। हम एक ग्लास NaOH पी लेंगे तब भी क्या हो जाएगा? फिर बन जाएगा। अभी तो एक्सेसिव जो बना है उसको रोकना है। क्यों हम वी के बेस लेते रहते हैं? फटाफट स्ट्रॉन्ग लें और काम खत्म करें। बेटे एसिड और बेस जब, जिसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन, टिपिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको ही कहा जाता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करे तो आपको एसिडिक सॉल्ट मिलते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती। और टिपिकली जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, जो बचपन से करते आ रहे हो आप, NaOH, HCl और NaCl बनता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस खा लोगे तो आपकी फूड पाइप जल जानी है। और जब भी किसी के ऊपर एसिड भी फॉल डाउन हो जाए एक्सीडेंटली, ये नहीं कि NaOH डालना शुरू कर देना, वो जल जाना उसने बंदे ने, क्योंकि हीट भी रिलीज होगी। रिएक्शन इज क्वाइट एक्सोथर्मिक। और पानी भी नहीं डालना। क्यों? अब यू यू हैव डन कि जब एसिड की डाइल्यूशन होती है वो भी एक्सोथर्मिक है, फिर बंदे ने जलना है, तो क्या डालना हमने तब? माइल्ड बेस। अब माइल्ड बेस कैसे मिलेगा? फटाफट फ्रिज में से इनो निकाल दियो, दैट इज अ माइल्ड बेस। डाइजीन, दैट इज अ माइल्ड बेस। नेवर एवर न्यूट्रलाइज एन एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो आपको हाई हीट ऑफ इंथैल्पी टर्म यूज करोगे आप, दैट इज रिलीज्ड। और रिएक्शन इज वेरी मच ऑफ एक्सोथर्मिक, बहुत हीट निकलती है। इन द सेम वे जब आप पानी डालोगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस है चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तभी हम ने कंसेप्ट किया था कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को डाइल्यूट करना है तो हम कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालते, हम वाटर में एसिड डालते हैं। क्योंकि जब आप एसिड में वाटर डालते हो तो जो एसिड है बाहर स्प्लैश आउट करेगा, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, वो आयोनाइज होना शुरू होगा। वो जब कोई चीज टूटती है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो टूटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, टू बिकम स्टेबल। हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज होती है, नए बॉन्ड्स एस्टेब्लिश हो रहे होते हैं, तब वाटर और एच प्लस में जो नए बॉन्ड एस्टेब्लिश हो रहे होते हैं उसके कारण एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही होती है। गॉट द पॉइंट? अब इन द सेम वे अगर बेस है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस से भी जलते हैं आपको पता है, या अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से जलते हो आप, स्ट्रॉन्ग बेस से भी जलन होती है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड ही नहीं यूज कर लेना, तो हमने वीक एसिड यूज करना है। कार्बोनिक एसिड यूज कर लो, बोरिक एसिड आता है जनरली, आप देखो डॉक्टर से पूछो क्या होता है तो वो बोरिक एसिड देंगे। अगर आप डॉक्टर से जनरली जब एसिडिक अटैक होते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स लगाते हैं, तो आप भी घर में इनो उनो पड़ी हो फटाफट, अगर हारपी कुरपी गिर जाए तो दैट इज एसिड। ठीक है, स्किन पे
अगर आपके कोई हनी बी काट जाए उसमें मीथेनोइक एसिड है तो आप घर पे साबुन लगा दो, दैट इज बेसिक। इनो लगा लो, दैट इज बेसिक। नाउ पीएच ऑफ अवर माउथ, अगेन पीएच ऑफ माउथ जो स्लाइवा के, दैट इज ऑल्सो स्लाइटली बेसिक। अगर उसमें आप शुगर ज्यादा खा लेते हो बेटे तो आपका जो पीएच ऑफ माउथ है वो एसिडिक हो जाता है। तो हम कौन सा टूथब्रश यूज करेंगे? पेस्ट, बेसिक, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, हमें हनी भी काट जाए तो उसमें कौन सा एसिड है? मीथेनोइक एसिड। दिस यू हैव डन इन क्लास। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज करोगे? बेस। पीएच समझ आई? अब हम देखेंगे पीएच एसिडिक की कैसे होती है, बेसिक की कैसे होती है। What the point? So, आपने कल रीड आउट करके आना है। हमने पीएच ऑफ सॉल्ट से शुरू करना है जो हमने करना था। सो यू विल रीड एंड कम टू द क्लास।